क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। लिमिटेड ओवर्स की सीरीज के लिए टीम इंडिया श्रीलंका के दौरे पर है और अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। पहले वनडे मैच के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है और टीम इंडिया हर हाल में इस सीरीज जीतना चाहती है। अब पहली बार राहुल द्रविड़ बतौर हेड कोच टीम इंडिया के साथ गए हैं तो पहली बार टीम में बहुत कुछ बदलाव भी दिख रहा है, नए फॉर्मूले नजर आ रहे हैं और यहां तक कि उपकप्तान को पहली बार इतना ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। हालत तो यह है कि राहुल द्रविड़ ने गेंदबाज चुनने के लिए भोवी को फुल हैंड दे दिया है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि टीम के बल्लेबाज तो कप्तान चुनेगा लेकिन टीम का उपकप्तान जो कि लीडिंग बॉलर भी है उसे हेड कोच राहुल द्रविड़ ने गेंदबाजी चुनने का पूरा पूरा अधिकार दे दिया है और खुद भुवनेश्वर कुमार ने मीडिया के सामने इसे बताया और भोवी ने अपने बॉलर्स भी चुन लिए हैं और इस सब कुछ टीम इंडिया में पहली बार हो रहा है। तो क्या क्या कहा भोवी ने, क्या है राहुल द्रविड़ का नया फॉर्मूला और आगे क्या होने वाला है, आपको सब कुछ बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच 18 जुलाई को सीरीज का पहला वनडे मैच खेला जाएगा। इस मैच के लिए टीम इंडिया की तैयारियां जबरदस्त हो चुकी हैं। पहले सीरीज की शुरुआत 13 जुलाई को होने वाली थी लेकिन श्रीलंका के खेमे में कोविड की एंट्री ने सीरीज को 5 दिन आगे खिसका दिया और 5 दिन का वक्त मिला तो भारतीय टीम ने खुद को और भी ज्यादा तैयार कर लिया। अब तक आपने देखा होगा कि टीम के सिलेक्शन में हेड कोच और कप्तान का ही दखल रहता है लेकिन यहां पर पहली बार उपकप्तान का सीधा सीधा दखल नजर आ रहा है और यही नहीं पहली बार उपकप्तान को अपने बॉलर्स चुनने का पूरा पूरा हक हेड कोच ने दे दिया है और यही फॉर्मूला राहुल द्रविड़ का है। मीडिया के सामने आए भुवनेश्वर कुमार ने खुद इस प्लान का खुलासा किया। भोवी ने क्या क्या कहा वो भी देखिए। भोवी ने बताया कि राहुल द्रविड़ का कोचिंग पैटर्न पूरी तरह से अलग है। भोवी ने कहा कि राहुल भाई ने मुझे और शिखर को फुल हैंड दे दिया है और हमें कहा है कि अपनी टीम चुनो। भोवी ने आगे बताया कि राहुल द्रविड़ ने शिखर धवन को बैट्समैन चुनने के लिए कहा है और उसमें अपनी राय भी दी है और फिर मुझसे बॉलर्स को चुनने के लिए कहा और मुझे भी राहुल भाई ने अपनी सजेशन दी, अपनी राय दी, लेकिन साथ ही साथ कहा बॉलिंग कॉन्टिजेंट तुम्हारा होगा और बैटिंग कॉन्टिजेंट शिखर का। तुम दोनों को अपने खिलाड़ी पूरे चुनने का अधिकार दे रहा हूं तो तुम्हें इसके लिए जिम्मेदारी भी दे रहा हूं कि अच्छा प्रदर्शन करना और अपने साथियों से भी कराना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। भूमि ने आगे बताया कि राहुल भाई प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं और हमें अधिकार दे रहे हैं तो हमसे जिम्मेदारी भी मांग रहे हैं और अच्छे और खराब खेल दोनों के लिए हमें जिम्मेदारी दी गई है। यानी कि हेड कोच राहुल द्रविड़ का मैच जीतने का यही सीधा और सपाट फॉर्मूला है कि मैदान में खेल रहे कप्तान और उपकप्तान को उनके अधिकार दिए जाएं, उन्हें पूरा तरह से लैस किया जाए और फिर उनकी जिम्मेदारी भी तय की जाए। आगे देखिए, भूमी ने बताया कि उन्होंने अपने गेंदबाज भी चुन लिए हैं। भुवनेश्वर कुमार ने कहा कि कोलंबो को विकेट काफी स्लो रहती है और इसीलिए पहले मैच में टीम में ऑलराउंडर्स के साथ साथ पेस और स्पिन अटैक का मिक्सअप होगा। अब भूमि ने जो इशारे दिए उसके मुताबिक टीम में 2 या फिर 3 ऑलराउंडर्स हो सकते हैं जबकि 2 ही गेंदबाज भी होंगे और फिर 2 या 3 स्पिनर्स भी टीम में रखे जा सकते हैं क्योंकि कोलंबो की पिच स्पिनर्स की मददगार होगी और ये खुद भूमि ने बताया। अब भूमि की गेंदबाजी टीम में कौन कौन होंगे वो भी देखिए। भुवनेश्वर कुमार खुद पेस अटैक को लीड करेंगे जबकि दूसरे तेज गेंदबाज नवदीप सैनी हो सकते हैं। जी हां, हैरानी भरा नाम जरूर है क्योंकि अब तक दीपक चार और चेतन सकारिया का नाम पहले से चर्चाओं में था लेकिन अगर पिच धीमी होती है तो फिर तेज गति से गेंदबाजी करने वाला नवदीप सैनी दूसरे बॉलर के रूप में टीम में आ सकते हैं और इसी का इशारा भूमि ने भी दिया है। अब इन 2 तेज गेंदबाजों के अलावा तीसरे तेज गेंदबाज की भूमिका में हार्दिक पांड्या होंगे जो कि अब बॉलिंग भी करने लगे हैं और भूमि ने ही बताया कि हार्दिक 6ठे गेंदबाज की भूमिका में होंगे। स्पिनर्स की बात करें तो टीम में 3 तेज गेंदबाजों के साथ साथ 3 ही स्पिनर्स भी खिलाए जाएंगे और टीम के पहले स्पिनर होंगे ऑलराउंडर कुणाल पांड्या और दूसरे स्पिनर टीम के होंगे युजवेंद्र चहल। हालांकि पहले यहां पर भी राहुल चाहर का नाम आ रहा था और बताया जा रहा था कि शिखर धवन की पहली पसंद राहुल चाहर ही है लेकिन अब यहां पर भूवी को फुल हैंड दिया गया है तो भूवी की पहली पसंद युजवेंद्र चहल बताया जा रहे हैं और चहल ही टीम के दूसरे स्पिनर भी होंगे। तीसरे स्पिनर के रूप में सरप्राइज पैकेज यहां पर नजर आ सकता है। अब तक कृष्णप्पा गौतम या फिर वरुण चक्रवर्ती का नाम लगातार चर्चाओं में आ रहा था लेकिन भोवी चाहते हैं कि कुलचा की जोड़ी मैदान में फिर से नजर आए। जी हां, युजवेंद्र चहल का खेलना पक्का है तो ऐसे में
कुलदीप यादव तीसरे स्पिनर के रूप में उन्हें खिलाया जा सकता है और वो भी रिस्क स्पिनर ही है। और ये लंबे समय बाद होगा जब कुलदीप और चहल एक साथ खेलेंगे और एक साथ मैदान में कुलचा का कहर दिखेगा। हालांकि एक संभावना यह भी है कि आखिरी मौके पर कुलदीप यादव की जगह पर कृष्णप्पा गौतम को भी खिलाया जा सकता है, जिससे गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी गहराई आएगी और आठवें नवें नंबर तक टीम इंडिया की बल्लेबाजी मजबूत रहेगी। तो कुल मिलाकर भोवी को मौका मिला तो भोवी का गेंदबाजी अटैक बिल्कुल अलग नजर आ सकता है। कुलचा को यहां पर बड़ा मौका लंबे समय बाद मिल सकता है, तो नवदीप सैनी को भी अपनी तेज गेंदबाजी के चलते खेलने का मौका मिल सकता है, जो कि स्ट्रेंज फैसला हो सकता है। तो आपका क्या मानना है, भोवी की टीम कितनी सटीक है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो श्रीलंकाई दौरे पर भारतीय टीम को 3 वनडे और 3 T20 मैचों की ही सीरीज खेलनी है और इसके लिए टीम इंडिया श्रीलंका में है। कोलंबो में जबरदस्त प्रैक्टिस चल रही है। अब जब से दौरा घोषित हुआ तब से ही पहला नाम जो कि चर्चाओं में था वो था श्रेयस अय्यर का। जी हाँ, अय्यर को ही कप्तान बनाया जाना तय था। अय्यर की ही लीडरशिप में टीम का श्रीलंका जाना भी तय था, लेकिन श्रेयस अय्यर अपनी फिटनेस साबित नहीं कर पाए और फाइनली उन्हें कप्तानी तो दूर, टीम इंडिया में चुना तक नहीं गया। अब ऐसे में बड़ी खबर यह है कि श्रेयस अय्यर फिट हो गए हैं। जी हां, अय्यर ने अपना फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है और खुद बीसीसीआई की तरफ से अय्यर के फिटनेस को मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद अय्यर को खेलने के लिए फिट घोषित कर दिया गया है, हरी झंडी दिखा दी गई है। अब बड़ी खबर यह भी है कि श्रेयस अय्यर तुरंत ही श्रीलंका दौरे के लिए रवाना हो सकते हैं। जी हां, बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि श्रेयस अय्यर को तुरंत ही श्रीलंका भेजा जा सकता है ताकि टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर को मजबूती मिल सके, क्योंकि इंग्लैंड से भारत की सीनियर टीम ने 2 खिलाड़ियों को वहां मांग लिया है और इन खिलाड़ियों को इंग्लैंड अगर भेजा जाता है तो फिर श्रीलंका की टीम में टॉप ऑर्डर कमजोर हो जाएगा और इसीलिए तुरंत ही श्रेयस अय्यर को, जो कि अब फिट हो चुके हैं, उन्हें श्रीलंका भेजा जा सकता है। हालांकि क्वारंटीन नियमों के चलते अय्यर वनडे सीरीज तो नहीं खेल पाएंगे, लेकिन T20 सीरीज में श्रेयस अय्यर के खेलने की पूरी पूरी संभावना बनती हुई दिख रही है। अब एक और बड़ी खबर कप्तानी को लेकर भी है। श्रेयस अय्यर को लेकर शुरू से ही कहा जा रहा था कि वही श्रीलंका दौरे पर भारत के कप्तान होंगे, लेकिन अय्यर फिट नहीं हो पाए तो फिर शिखर धवन यानी कि गब्बर को कप्तानी दी गई और अब कई लोगों का कहना है कि अय्यर के फिट होने के बाद एक बार फिर से अय्यर को ही कप्तानी सौंप दी जानी चाहिए। तो इस पर कन्फर्म खबर ये है कि अय्यर को कप्तानी सौंपी जाएगी। जी हाँ, अय्यर को कप्तानी सौंपी जाएगी, धवन की जगह पर कप्तानी सौंपी भी जाएगी, लेकिन ये कप्तानी भारतीय टीम यानी कि टीम इंडिया की नहीं होगी बल्कि आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी होगी। जी हां, ये बड़ी खबर है क्योंकि आईपीएल के पहले हाफ में दिल्ली के लिए ऋषभ पंत ने कप्तानी की थी, लेकिन जब श्रीलंका दौरे पर शिखर धवन को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया तो दिल्ली कैपिटल्स भी दूसरे हाफ में शिखर को कप्तान बनाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन अब श्रेयस अय्यर पूरी तरह से फिट हो चुके हैं तो अब धवन को दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी नहीं मिलेगी और फिट हो चुके श्रेयस अय्यर आईपीएल के दूसरे हाफ में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे और वो भी शिखर धवन की जगह पर। अब जहां तक श्रीलंका दौरे का सवाल है तो वहां पर धवन को दोनों ही फॉर्मेट में चयनकर्ताओं ने कप्तान बनाया है और धवन ही पूरे दौरे पर कप्तान रहेंगे, चाहे वनडे सीरीज हो या फिर T20 सीरीज। हाँ, अगर श्रेयस अय्यर टीम के साथ जुड़ते हैं और T20 मैचों में बतौर खिलाड़ी खेलते हैं तो ये टीम के लिए फायदेमंद होगा, कप्तान धवन के लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि 2 खिलाड़ियों को तो श्रीलंका से इंग्लैंड भेजा जाना तय है, जिससे शिखर की टीम कमजोर हो सकती है। लिहाजा अय्यर की धमाकेदार एंट्री होना तय है, जो कि खुद टीम इंडिया के लिए और कप्तान शिखर धवन के लिए बड़ा फायदा होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या शिखर धवन सही कप्तान है या फिर श्रेयस अय्यर को कप्तानी दे दी जानी चाहिए, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।